आप जानते हैं कि आरएसएस का इटली से क्या कनेक्शन है? मेरी बात सुनकर पहले तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे और हंसेंगे, कहेंगे इटली से आरएसएस का क्या कनेक्शन हो सकता है, बहुत देशी टाइप का संगठन है। तो मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि कभी आरएसएस की ड्रेस देखी है? तो चलिए भारतीय इतिहास से मुझे बता दीजिए कि पैंट शर्ट काली टोपी चमड़े का बेल्ट जूता किस भारतीय संस्कृति का वेश रहा है? थोड़ा कंफ्यूजन हुआ, दिमाग पे थोड़ा जोर पड़ा, माथे पे कुछ नसें उभरी। साथ बने रहिए, पूरी बात बताऊंगा इटली और जर्मनी और यूरोप से क्या कनेक्शन है आरएसएस का। आगे हम बात कर रहे हैं। नमस्कार, द क्रेडिबल हिस्ट्री के इस नया और खास शो में आपका स्वागत है। आरएसएस का इटली कनेक्शन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का इटली से रिश्ता सुनकर थोड़ा अजीब लगता है। खुद को लगातार राष्ट्रीय क्लेम करने वाले, भारतीय परंपराओं की बात करने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदुत्ववाद का आखिर इटली से क्या रिश्ता हो सकता है? असल में मैं कुछ शोध कर रहा था, कुछ रिसर्च कर रहा था, और रिसर्च करते करते मुझे एक लेख मिला। उस लेख का लिंक और बाकी सारा कुछ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में हर बार की तरह दे दूंगा। और उस लेख के बाद जब मैंने और सर्च करना शुरू किया, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में मुझे मार्जियो कैसोलारी का एक लंबा लेख मिला। ये लेख आरएसएस और इटली के पुराने रिश्ते को बताता है। अब आप कहेंगे किसी लेख में कोई आरोप लगा दिया गया तो कैसे मान लेंगे? उस लेख में एक एक जो डॉक्यूमेंट दिया हुआ है, एक एक जो बात दी हुई है, वो सारी की सारी भारत सरकार के अभिलेख जो हैं, जो रिकॉर्ड्स रखे गए हैं, उन रिकॉर्ड्स को कोट करके और आरएसएस और हिंदू महासभा के रिकॉर्ड्स को कोट करके बात की गई है। नॉर्मली हम जानते हैं कि 1930 में 31 में आरएसएस के एक बड़े नेता मुंजे साहब इटली गए थे, वहां मुसोलिनी से मिले थे वगैरह वगैरह, उस पर हम आएंगे। लेकिन इनके लेख से पता चलता है कि उसके पहले से ही यहाँ के जो हिंदुत्ववादी संगठन है उनका इटली के फासीवाद और मुसोलिनी से गहरा रिश्ता था। और अगर रिश्ता ना भी कहें हम, तो इतना तो कह ही सकते हैं कि वो उनसे गहरे प्रभावित थे और उनकी नकल करने की कोशिश कर रहे थे। इसका सबूत मिलता है इस बात से कि 1924 और 1935 के बीच पुणे से जो केसरी नाम का अखबार निकलता था, उसमें लगातार इटली, फासीवाद और मुसोलिनी की तारीफ वाले लेख प्रकाशित हुए। अब केसरी का नाम सुनके आप चौंके होंगे, केसरी निकाला था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने, लेकिन लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु के बाद केसरी उन लोगों के हाथ में चला गया जो खुद को तिलकवादी तो कहते थे लेकिन आजादी की लड़ाई से दूर रहते थे। तिलक के बारे में जो लोग जानते हैं उनको पता है कि लखनऊ पैक्ट जो हुआ था मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में 1916 में लखनऊ में, उसमें तिलक और जिन्ना दोनों शामिल थे, और उसकी आलोचना इन्हीं मुंजे साहब ने की थी जो बाद में मुसोलिनी से मिलकर जाते हैं, जिनकी काफी सारी बात करेंगे। तो इस आलोचना के जवाब में तिलक ने कहा था कि अभी जो हमारा संघर्ष है वो तिकोना है, एक कोने पे हिंदू है, एक कोने पे मुसलमान है, एक कोने पे अंग्रेज है। अगर हिंदू और मुस्लिम एक हो जाएंगे तो हमारा संघर्ष सीधा हो जाएगा। यानी जाति वगैरह के मुद्दे पे कई बार बहुत पिछड़ी हुई सोच रखने के बावजूद हिंदू मुसलमान के सवाल पर तिलक आगे बढ़ के देख रहे थे। लेकिन तिलक के मरने के बाद जिन लोगों के हाथ में केसरी चला गया, ये तो आपको पता ही है कि तिलक के जो अपने बेटे थे, दो बेटे, उनमें से एक बेटे जो थे वो अम्बेडकर के बहुत करीब थे और उनका इतना प्रताड़ना हुआ, उनको इतना परेशान किया गया कि उन्होंने आत्महत्या कर ली, और जो दूसरे बेटे थे वो बाद में महात्मा गांधी के साथ कांग्रेस के मूवमेंट के साथ जाके जुड़ते हैं। केसरी गया तिलक के दामाद के पास जो पूरी तरह से हिंदूवादी थे, और ये लोग जो थे आजादी की लड़ाई से अपने आप को अलग कर लेते हैं और पूरी तरह से हिंदुत्ववादी राजनीति करते हैं। तो उसी दौर में केसरी में 1924 से 1935 के बीच, 1924 से 1935 के बीच लगातार इटली, फासीवाद और मुसोलिनी के तारीफ वाले लेख प्रकाशित होते हैं। इन लेखों में लोकतंत्र की अपेक्षा तानाशाही और फासीवादी जो मॉडल था उसको बेहतर बताया गया। आप लोगों को बार-बार फासीवाद शब्द सुनाई देता होगा। फासीवाद शब्द को लेके एक बड़ा मजेदार सा जोक कह लीजिए आप मेरे पास है। एक बार मैं कहीं वर्कशॉप लेने गया जहां फासीवाद के बारे में बताना था,
तो वर्कशॉप शुरू होने से पहले हम लोग चाय पी रहे थे बाहर, तो एक बुजुर्ग सज्जन आए और उन्होंने मुझसे कहा कि फांसीवाद जो है इस देश में बहुत बढ़ गया है और फांसीवाद के खिलाफ हमको लड़ना पड़ेगा। तो मैंने उनसे कहा फांसीवाद क्या? तो बोले वही जिसमें शासक बहुत सारे लोगों को फांसी देने लगते हैं। तो फांसीवाद को लेकर बहुत सारी इस तरह की समझे हैं जो फांसीवाद की सही परिभाषा नहीं जानती हैं। दरअसल फांसीवाद एक सुसंगत विचारधारा है। इटली का जो शासक था मुसोलिनी, उसने अपनी पार्टी का नाम ही फासिस्ट पार्टी रखा हुआ था, और फासिज्म एक तरह का, डिटेल में हम कभी बात कर लेंगे अलग से फासीवाद के बारे में, लेकिन फासिज्म एक तरह का तानाशाही मॉडल है जिसमें एक व्यक्ति को सर्वोच्च माना जाता है, पूंजीवाद को खेलने की खुली छूट दी जाती है और उसमें लोकतंत्र या असहमति के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी जाती है। तो 17 जुलाई 1928 को केसरी में एक आर्टिकल छपता है। यह आर्टिकल एक व्यक्ति को सर्वोच्च मानने के मॉडल को बेहतर बताता है। ये कहता है कि मुसोलिनी का जो फांसीवाद है उसमें जो एक ही व्यक्ति को सर्वोच्च बताया गया है वो बेहतर मॉडल है डेमोक्रेसी की तुलना में। डेमोक्रेसी जहां पर एक व्यक्ति सर्वोच्च नहीं होता है बल्कि जनता जिसको चुनती है वो सर्वोच्च होता है और जनता फिर कुछ सालों बाद उसको गद्दी से हटा सकती है, ऐसे मॉडल की जगह एक व्यक्ति को लगातार सर्वोच्च मानने के मॉडल को बेहतर बताया गया। लौटिए आरएसएस पे। आरएसएस का मॉडल क्या है? एक चालक अनुवर्तिका, यानी एक ही व्यक्ति लीडर है, वही चालक है और बाकी सब जो हैं उसके अनुयायी हैं, उसके पीछे चलते हैं। और आरएसएस इसका पालन कैसे करता है? कांग्रेस में नेहरू का अध्यक्ष चुने गए, पटेल का अध्यक्ष चुने गए, फलां क्यों प्रधानमंत्री बने, इसको लेके बहुत सवाल उठता है। लेकिन आप लोगों को यह पता है कि आरएसएस में जो सरसंघचालक होता है वो अपना सरसंघचालक कैसे चुनता है? जब वो उसको लगता है कि उसकी उम्र हो गई है, अब वो कभी भी मर सकता है, तो वो एक पर्ची पर अपने उत्तराधिकारी का नाम लिख देता है जो उसके मरने के बाद खोली जाती है, और उस पर्ची पर जिसका नाम लिखा जाता है उसको ही उत्तराधिकारी माना जाता है। और इसका सबसे बड़ा खेल तब हुआ था जब हेडगेवार साहब की डेथ होने वाली थी। सब लोग मान के चल रहे थे कि मुंजे चूंकि सीनियर लीडर हैं, आरएसएस को बनाने में उनकी बड़ी भूमिका है, तो हेडगेवार के बाद मुंजे साहब आरएसएस के हेड बनेंगे। लेकिन पर्ची में नाम निकला गोलवरकर का और गोलवरकर को हेड बना दिया गया। तो जिसके यहां, जिस संगठन में लोकतंत्र का डेमोक्रेसी का डी भी फॉलो नहीं होता है, वो लोग बाकियों के लोकतंत्र पर सवाल खड़ा करते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि 17 जुलाई 1928 को जो आर्टिकल छपा उसमें एक व्यक्ति की श्रेष्ठता पर आधारित मॉडल को बेस्ट बताया गया। उसके बाद 13 अगस्त 1929 को, 13 अगस्त 1929 को एक और लेख छपता है। उस लेख का शीर्षक है इटली एंड द यंग जनरेशन, यानी इटली और युवा पीढ़ी। इसमें कहा गया कि फासिस्ट आधार पर इटली के समाज का जो पुनर्गठन हुआ है, यानी जब मुसोलिनी वहां पर सत्ता में आता है और पूरे समाज को एक नए तरीके के संगठन में बदलता है, सामाजिक पूरा ताना बाना ध्वस्त करके एक नए तरह के समाज बनाने की कोशिश करता है, तो ये बड़ा बेहतर करता है। अब इस नए तरह के समाज में कहा गया कि युवाओं में अनुशासन बहुत है, और उसका कारण बताया गया कि युवाओं में जबरदस्त धार्मिक भावना है, परिवार और पारंपरिक मूल्यों से लगाव है, तलाक नहीं अलाउ है, कोई अकेला नहीं रह सकता, और औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं है, उनका एक ही काम है कि वो चौके में रहें और खाना बनाएं। यानी एक ऐसे समाज की तारीफ हो रही है जो जबरदस्त धार्मिक है और जहां औरतें पूरी तरह से गुलाम हैं। याद रखिए इटली में कम से कम जातियां नहीं हैं। हिंदुस्तान में जब आरएसएस अपनी नीतियां बनाता है तो वो दलितों वगैरह को भी उनके जो काम है वही करने के लिए कहता है, चार वर्णों की व्यवस्था की बात करता है। औरतों के लिए तो वैसा ही इसका मानना था जैसा मुसोलिनी का, कि औरतों को सामाजिक जीवन में भाग लेने का कोई अधिकार नहीं है, वोट लेने का कोई अधिकार नहीं है, उनका एक ही काम है कि वो चौके में रहें, खाना बनाएं और बच्चे पैदा करें। इसी लेख में आगे दो संगठनों की तारीफ की गई है जिनके बारे में मैं आपको कुछ बता देना चाहूंगा। एक संगठन है बलीलिया
और दूसरा संगठन है अवांगार्ड दिस्ती, अवांगार्ड सबसे आगे चलने वाली जो टोली होती है उसको अवांगार्ड कहते हैं, उसी से ये नाम इटालियन में है अवांगार्ड दिस्ती। ऐसे संगठनों की बहुत तारीफ की गई। अब ये संगठन क्या थे? ये संगठन आरएसएस की शाखा की तरह ही थे, शाखा बहुत बाद में बनी है, ये उस समय बन चुके थे, जिसमें 6 साल से लेके 18 साल तक के युवाओं को ट्रेनिंग दी जाती थी। और ये जो ट्रेनिंग दी जाती थी वो फासीवाद की ट्रेनिंग दी जाती थी, पढ़ने लिखने की ट्रेनिंग नहीं दी जाती थी, नंबर वन। दूसरा, इनको हथियार चलाने, शारीरिक शिक्षा और इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती थी जिससे वो सेना को मदद कर सकें या जब लोकल दंगे वगैरह होते हैं तो उसमें भाग ले सकें। अब ये सवाल ये है कि उस समय जब अभी यहां से कोई गया भी नहीं था इटली में, इटली के बारे में बहुत जानकारी यहां थी नहीं, तब ये सब जानकारियां कैसे मिली? तो ये लेख बताता है कि ये जानकारियां 1928 में एक इटालियन संपादक थे जिन्होंने एक पर्चा लिखा था जिसका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ था, द रीसेंट लॉज फॉर द डिफेंस ऑफ स्टेट। इससे ये जानकारियां मिली थी। जाहिर तौर पर ये पर्चा जो है फासीवाद की विचारधारा के प्रचार प्रसार की बात करता था। इसमें कुछ और चीजें थी। एक चीज थी कि ये राजनीति ऐसी होगी जिसमें विरोधी पक्ष पर रोक लगेगी, यानी सरकार का कोई विरोध नहीं कर पाएगा, उससे आगे बढ़ के पूरे सिस्टम में वन पार्टी रूल होगा, विपक्ष जैसी कोई चीज होगी ही, प्रेस पर पूरी पाबंदी होगी, असहमत लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाएगा और इसके बाद भी अगर कोई नहीं मानेगा तो उसको फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा, सजाए मौत दी जाएगी। याद कीजिए, जब हमारा जो सत्ता पक्ष है भाजपा, जब बात करता है कांग्रेस मुक्त भारत, तो दरअसल वो विपक्ष मुक्त भारत की बात करता है। उसको विपक्ष चाहिए ही नहीं, या तो ऐसे लोग चाहिए जो सीधे भाजपा में हों या फिर भाजपा के समर्थक हों। इससे मजेदार एक और स्रोत था जो बताता है कि हिंदुत्ववादी संगठन और आरएसएस कैसे फासीवाद के बेहद करीब थे। केसरी में लंदन के संवाददाता थे डीवी तमहानकर, वो एक किताब लिखते हैं मराठी में, मुसोलिनी आणि फासिस्मो। ये बेसिकली मुसोलिनी की जीवनी थी जिसमें इन सारे विचारों की तारीफ की गई थी। यानी स्पष्ट है कि हिंदुत्ववादी संगठनों में, और ये सारे लोग हेडगेवार और हिंदू महासभा वगैरह के बेहद नजदीक थे, तो इन संगठनों में मुसोलिनी का गहरा असर था, इटली का गहरा असर। लेकिन अभी तक किसी को इटली जाने या मुसोलिनी के दर्शन करने का मौका नहीं मिला था। ये मौका सबसे पहले मिला हेडगेवार के मेंटोर बीएस मुंजे को। मुंजे साहब गए हुए थे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जब वो गए तो वहां से उनको मौका मिला इटली जाने का। और 15th March to 24th March 1931 तक वो इटली में रहे। वहां पर सबसे पहले वो क्या देखने गए? वही जिसकी तारीफ उन्होंने केसरी में पढ़ रखी थी, बलीलियो और अवांगार्डिस का जो पूरा संगठन था उसको देखने गए। फिर वो गए मिलिट्री कॉलेज, सेंट्रल मिलिट्री स्कूल ऑफ फिजिकल एजुकेशन, द फासिस्ट एकेडमी, और ये इन सारी जगहों पर जाकर उन्होंने जो देखा उसके संबंध में 13 पन्नों का एक नोट लिखा जो एनएमएल लाइब्रेरी में अवेलेबल है, मुंजे पेपर्स में। इन 13 पन्नों में 2 पन्नों में सिर्फ बलीलियो और अवांगार्डिस की तारीफ है। मैंने आपको बताया कि बलीलियो और अवांगार्डिस की जो है वो क्या थे, वो एकदम बच्चों और किशोरों को भर्ती करने के संगठन थे। जो नोट्स लिए हैं मुंजे जी ने वो है कि इनमें 6 से 18 साल के लड़कों की भर्ती होती है, साप्ताहिक बैठकों में सैन्य अभ्यास होता है और ब्रेन वॉशिंग होती है, शिक्षा की जगह उन्हें फासिस्ट विचारधारा सिखाई जाती है। ये सारी चीजें वो वहां पर लिखते हैं डायरी में। जो एग्जैक्ट वर्ड है वो भी मैं पढ़ के आपको सुना देता हूं। इसके आगे, द आइडिया ऑफ फासिज्म विविडली ब्रिंग्स आउट द कंसेप्शन ऑफ यूनिटी अमंग्स पीपल। इंडिया एंड पर्टिकुलर हिंदू इंडिया नीड सम सच इंस्टीट्यूशंस फॉर द मिलिट्री रीजनरेशन ऑफ हिंदूज, सो दैट द आर्टिफिशियल डिस्टिंक्शन सो मच एम्फेसाइज्ड बाय द ब्रिटिश ऑफ मार्शल एंड नॉन मार्शल क्लासेस अमंग्स द हिंदू मे डिसअपीयर। आर इंस्टीट्यूशन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ऑफ नागपुर अंडर डॉक्टर हेडगेवार इज ऑफ दिस काइंड दाउ क्वाइट इंडिपेंडेंटली।
यानी वो कह रहे हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन जो हमारा नागपुर का है, जिसके नेता डॉक्टर हेडगेवार हैं, वो फासिस्ट संगठन जो इटली का है वैसा ही है, हालांकि उसका विकास काफी अलग हुआ है। इसके बाद आया 19 मार्च 1931 का दिन, 19th मार्च 1931। इस दिन उनकी मुलाकात होती है मुसोलिनी से। इस मुलाकात में बहुत सारी बातें हैं, तारीफ करते हैं मुसोलिनी की, बहुत सारी बातें मुसोलिनी से कहते हैं जिससे मुसोलिनी बड़ा खुश होता है, फ्लैटरी जैसी है। लेकिन इन सब के बीच एक मजेदार लाइन आती है, मुझे लिखते हैं, ही सीम टू हैव ग्रेट रेस्पेक्ट फॉर गांधी। यानी मुसोलिनी जो था, ऐसा लगता था कि गांधी से बेहद प्रभावित है, गांधी के लिए उनके मन में बहुत ज्यादा इज्जत है। होता यह है कि जब आप क्रूर होते हैं, जब आप तानाशाह होते हैं, तब भी कई बार आप ऐसे लोगों की इज्जत करते हैं जो आपसे अलग होते हैं, आपसे बेहतर होते हैं, जिनके जीवन मूल्य आपसे बेहतर होते हैं। यही वजह थी कि मुसोलिनी गांधी का बेहद सम्मान करता था। ये कुछ वैसा ही है जैसे हमारे मोदी जी जाते हैं कुछ जगहों पर, बड़ी दोस्ती दिखाने की कोशिश करते हैं जापान में और कई जगहों पर, और वहां के प्रधानमंत्री आगे आके कहते हैं कि नेहरू के देश से आप आए हैं इसलिए आपका हम सम्मान करते हैं, हमारे यहाँ नेहरू का बहुत सम्मान है, गांधी का बहुत सम्मान है, वगैरह वगैरह। तो मुंजे की इस मुलाकात में जो बाकी सारी बातें हुई, उसके अलावा मुसोलिनी ने गांधी की बेहद तारीफ की। आखिर में मुंजे साहब क्या कह के आए, उन्होंने कहा, योर एक्सलेंसी, आई एम मच इम्प्रेस्ड, Every aspiring and growing nation needs such organizations. यानि बलीलिया और अवांगार्डिस जैसे संगठनों के बारे में कहते हैं वो कि मैं इनसे बेहद प्रभावित हूं और हर उभरते हुए देश को ऐसे संगठनों की जरूरत होती है। और लौटने के बाद उन्होंने राष्ट्रीय स्वयं संघ को ऐसा ही संगठन बनाने में अपना जीवन लगा दिया। लौटने के तुरंत बाद मराठा नाम के अखबार को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जो हमारे लीडर्स हैं उनको जर्मनी के बलीलिया और फासिस्ट अवांगार्डिस्ट जो संगठन है और उसके अलावा भी जो फासिस्ट संगठन है उनके यूथ मूवमेंट को कॉपी करना चाहिए, उनकी नकल करना चाहिए, उनके रास्ते पर चलना चाहिए। यानी क्या कह रहे हैं कि हमारा जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, इसके जो नेता हैं उनको सीखना चाहिए, सीखना भी नहीं बल्कि इमिटेट करने को कहते हैं, नकल करने को कहते हैं, कॉपी करने को कहते हैं, जो जर्मनी और इटली में फासिस्ट संगठन बने हैं उनकी नकल करना चाहिए। यानी मुंजे साहब किससे सीखने को कह रहे हैं, जर्मनी और इटली से। इस इंटरव्यू में भी वो कहते हैं कि आई हैव बीन वेरी मच इंप्रेस्ड बाय दीज मूवमेंट्स एंड आई हैव सीन देयर एक्टिविटीज विद माय ओन आईज इन ऑल डिटेल। मैंने अपनी आंखों से उनकी एक्टिविटीज सारी देखी हैं और मैं उनसे बेहद बेहद प्रभावित हूं। और ऐसा नहीं हुआ कि मुंजे साहब के कहने के बाद सब खामोश हो गए। 31 जनवरी 1934 को फासिज्म के बारे में एक मीटिंग हुई जिसकी अध्यक्षता हेडगेवार ने किया। इसके जो ऑर्गेनाइजर थे वो थे कावड़े शास्त्री, जो हेडगेवार और मुंजे के बेहद करीब थे। इसमें फासिज्म और मुसोलिनी को लेके विमर्श हुआ और इस बात पर सहमति बनी कि हमें उनके रास्ते पर चलना चाहिए। 31 मार्च 1934 को मुंजे, हेडगेवार और लालू गोखले ने एक मीटिंग की और उस मीटिंग का विषय था कि कैसे इटालियन और जर्मन लाइन पर एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन हिंदुओं का बनाया जाए। इसमें मुंजे कहते हैं, द आइडियल कैनॉट बी ब्रॉट टू अफेक्ट अनलेस वी हैव आवर ओन स्वराज विद अ हिंदू एज अ डिक्टेटर लाइक शिवाजी ऑफ ओल्ड आर मुसोलिनी आर हिटलर ऑफ द प्रेजेंट डे इन इटली एंड जर्मनी। वो कहते हैं कि इस तरह का संगठन तब तक नहीं बन सकता है जब तक हमारे पास एक डिक्टेटर, एक तानाशाह ना हो जो या तो पुराने शिवाजी जैसा हो या आज के इटली और जर्मनी में मुसोलिनी और हिटलर जैसा हो। अगर आप गौर से देखेंगे तो मुसोलिनी और हिटलर की तुलना वो छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ कर रहे हैं। ये इज्जत थी इटली और जर्मनी के लिए हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों की कि वो छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना किससे कर रहे हैं, मुसोलिनी से कर रहे हैं और हिटलर से कर रहे हैं।
इसी समय एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट छपी थी ब्रिटिश जो गुप्तचर एजेंसीज थी उनकी 1933 में, जिसका शीर्षक था नोट ऑन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। और इसमें उन्होंने कहा था कि मुंजे जो हैं वो इस बात के लिए जिम्मेदार हैं कि मराठी बोलने वाले राज्यों और सेंट्रल प्रोविंस जो यूपी है इन जगहों पर आरएसएस को फैलाने के लिए सबसे अधिक कोई जिम्मेदार है तो वो मुंजे हैं। और इसके आगे जो रिपोर्ट कहती है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कहती है कि इट इज परहैप्स नो एग्जैगरेशन टू एसर्ट दैट द संघ होप्स टू बी इन फ्यूचर इंडिया व्हाट द फासिस्ट आर टू इटली एंड द नाजीज टू जर्मनी। यानी आरएसएस भारत में वही बनना चाहता है जो फासिस्ट इटली में है या नाजी जो है वो जर्मनी में है। लेकिन मजेदार बात यह है कि भारत में जो दूसरे संगठन थे, चाहे वो भगत सिंह का संगठन हो या बाकी सारे संगठन थे, इन पे खटाखट बैन लगा देने वाली, कार्यवाही करने वाली अंग्रेजी सरकार ने कभी भी आरएसएस के ऊपर कोई इस तरह की कार्यवाही नहीं की। क्यों नहीं की वो हम आगे देखेंगे। अब जो ये ट्रेनिंग हो रही थी, इस पूरी ट्रेनिंग में क्या होना है, जो बच्चों की ट्रेनिंग हो रही थी 6 साल से या 8 साल से लेकर 18 साल के, इनको क्या ट्रेनिंग दी जा रही थी, इसको लेकर मुंजे साहब कहते हैं कि ऐसी ये ट्रेनिंग है जिसमें युद्ध के समय, आंतरिक युद्ध के समय यानी दंगों के समय या लड़ाई के समय, जो भी आप चाहें, उनको ऐसी ट्रेनिंग दीजिए ताकि दे कैन किल मासेस ऑफ मेन, यानी वो बहुत सारे लोगों की हत्या कर सकें। अब एक बात आप समझ सकते हैं कि ठीक है भाई, अच्छी बात है, अंग्रेजों के खिलाफ उस समय देश में लड़ाई चल रही थी, तो अगर अंग्रेजों की हत्या करने के लिए अपने लोगों को ट्रेन कर रहे थे तो उसमें गलती क्या थी। मजेदार बात यह है कि इस पूरे लिखे में अंग्रेजों के विरोध की कोई बात ही नहीं है, और इतिहास बताता है कि ना तो आरएसएस ने कभी अंग्रेजों के खिलाफ कोई लड़ाई लड़ी और ना ही अंग्रेजों ने कभी आरएसएस को परेशान किया। तो ये दुश्मन कौन था? ये दुश्मन बेसिकली देश के अंदर के लोग थे, देश के बाहर के लोग नहीं थे। ये पूरी ट्रेनिंग जो थी वो मुसलमानों को मारने की ट्रेनिंग हो रही थी, इसमें कहीं भी अंग्रेजों का जिक्र नहीं आता। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण मिलता है जब सावरकर रिहा होकर इन लोगों के साथ आते हैं, हिंदू महासभा में शामिल होते हैं। पुणे में 1 अगस्त 1938 यानी 1st of August 1938 को सावरकर साहब का एक बयान है। The very fact that Germany or Italy has so wonderfully recovered and grown so powerful as never before at the touch of Nazi or fascist magical wand is enough to prove that those political isms are the most congenial tonics their health demanded. यानी जर्मनी और इटली को अपने स्वास्थ्य के लिए जिन टॉनिक्स की जरूरत है वो फासिज्म और नाजिज्म है, ये इस बात से सिद्ध हो जाता है कि उनके आने के बाद वहां कितना विकास हुआ है। इसी भाषण में आगे वो कहते हैं कि जो नाजीवाद है हिटलर का वो तो राष्ट्रीय है, लेकिन जिन ज्यूज की हत्या हो रही है, जिन ज्यूज को वो पूरी तरह से सफाई कर रहा है, उन ज्यूज का जो आंदोलन है वो आंदोलन बेसिकली सांप्रदायिक है। हिंदुस्तान में भी यही कहा जाता है कि मुसलमान कुछ बोले तो सांप्रदायिक और हिंदू मूवमेंट कुछ हो तो वो राष्ट्रीय। अगर कोई हिंदू राष्ट्र की मांग करे तो राष्ट्रीय, लेकिन अगर कोई उसका विरोध करे तो वो एंटी नेशनल। इसके बाद भी बहुत सारे किस्से हैं। आप जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जर्मनी के फासीवाद के खिलाफ लगातार बोल रहे थे। जवाहरलाल नेहरू वो व्यक्ति हैं जो जर्मनी गए थे, द्वितीय विश्व युद्ध के पहले ही जर्मनी गए थे, वहां तमाम सारे लोगों से उनकी मुलाकात हुई थी, लेकिन हिटलर या उसके किसी भी समर्थक से मिलने के लिए उन्होंने मना कर दिया था। यानी फासीवाद के एकदम खिलाफ थे। 1942 में भी जो स्टैंड लिया गया, उस स्टैंड में बहुत क्लियर था कि कहीं से भी हम फासीवाद के साथ खड़े नहीं हो सकते हैं, लेकिन हम अंग्रेजों के साथ भी खड़े नहीं होंगे क्योंकि उन्होंने भी तानाशाही से हमारे ऊपर कब्जा कर रखा है और हमें आजाद करने का वचन नहीं दे रहे हैं। अंग्रेजों का साथ देने के लिए यही शर्त रखी गई थी कि आप हमें ये वचन दीजिए कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद आप हमें आजाद कर देंगे और हम आपके साथ खड़े होंगे, लेकिन अंग्रेज ये वचन नहीं दे रहे थे। और जब नहीं दे रहे थे तो 1942 में अंग्रेजों की मुखालिफत हुई, भारत छोड़ो आंदोलन की बात हुई। लेकिन
जो असल सवाल यहाँ पे है, जहां पे बात गोल घूमती है, वो ये है कि चाहे वो हेडगेवार साहब हो, चाहे मुंजे साहब हो, चाहे सावरकर साहब हो, ये सब लोग जर्मनी और इटली का समर्थन कर रहे थे। अब सेकेंड वर्ल्ड वार किसके बीच में हो रहा था? जर्मनी, इटली, जापान एक तरफ, ब्रिटेन, फ्रांस और बाद में यूएसएसआर, ये सारे देश एक तरफ। तो लगना क्या चाहिए कि इस वर्ल्ड वार में उनको साथ देना चाहिए था जर्मनी का और इटली का, लेकिन जब युद्ध होता है तो सावरकर किसके साथ खड़े होते हैं? ब्रिटेन के साथ। अब शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि हिंदूवादी ताकतों के बारे में सारी जानकारियां होने के बावजूद, आरएसएस के बारे में, हिंदू महासभा के बारे में सारी जानकारियां होने के बावजूद, अंग्रेज उनके खिलाफ कुछ क्यों नहीं करते थे? क्योंकि उनको पता था कि ये शोर करे कितना भी, दरअसल ये अंग्रेजों के खिलाफ है नहीं और अंग्रेजों के साथ ही आकर खड़े होंगे। तो जो मुंजे, जो सावरकर, जो हेडगेवार, जो गोलवरकर बार बार हिटलर और जर्मनी और मुसोलिनी और फासीवाद और नाजीवाद की तारीफ करते हैं, वो सेकेंड वर्ल्ड वार में खड़े होते हैं अंग्रेजों के साथ। इससे भी मजेदार बात यह है कि सावरकर दावा करते हैं, दरअसल 1952 में जब अभिनव भारत संघ को पूरी तरह से समाप्त करने, बंद करने की घोषणा की गई, उस तब एक कार्यक्रम हुआ, उस कार्यक्रम में सावरकर ने आके कहा कि मैंने सलाह दी थी सुभाष चंद्र बोस को कि वो यूरोप चले जाएं और वहां पर जर्मनी और जापान की सहायता से आजाद कराने की कोशिश करें हिंदुस्तान। कई बार तो ये लगता है कि अल्लाह मियां और भगवान जी को भी सलाह जो है वो सावरकर साहब ही दिया करते थे, और कोई तो सलाह देने वाला था नहीं। 1952 में जाकर कहते हैं, जब नेताजी भी नहीं थे, अंग्रेज भी चले गए थे, तो 1952 में उनको याद आता। अब ये कितना सही है कितना गलत, इस पे शक करने वाली कोई बात भी नहीं है। 24 जून 1940 24 जून 1940 को टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट छापी थी सावरकर और सुभाष चंद्र बोस के मुलाकात की। वो रिपोर्ट मैं शब्दशः पढ़ दे, मिस्टर बोस हैड आल्सो टॉक्स विद मिस्टर वीडी सावरकर, प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया हिंदू महासभा, एट द लैटर्स रेजिडेंस एट दादर ऑन सैटरडे इवनिंग। इट इज अंडरस्टूड दैट द डिस्कशन रिलेटेड टू द प्रेजेंट पॉलिटिकल सिचुएशन इन द कंट्री एंड द स्टेप्स The Hindu Mahasabha and the Forward Bloc should take in cooperation with other parties. The results of the talks, it is stated, were not encouraging. Yani inki mulaqat hui thi jisme Hindu Mahasabha aur jo naya sangathan बोस ने बनाया था उन दिनों फॉरवर्ड ब्लॉक, उसके बीच में क्या कोई गठजोड़ हो सकता है, इस पर चर्चा हुई थी और इसका कोई नतीजा नहीं निकला था। आपको शुरू में याद होगा इसी स्टेटमेंट, जब ये मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था तो आल्सो मेट लिखा हुआ है। वो आल्सो मेट क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि सावरकर से मिलने से पहले सुभाष चंद्र बोस जिन्ना से भी मिलने गए, तो दरअसल बंबई में जितने संगठन थे उस सबसे मिलकर बोस चाहते थे कि अंग्रेजों के खिलाफ कोई साझा संघर्ष शुरू किया जाए। इसमें यूरोप जाने की सलाह कहीं शामिल नहीं थी। अच्छा चलिए मान लेते हैं कि सावरकर साहब कह रहे थे कि मैंने सलाह दी तो सही कह रहे होंगे, और हम मान लेते हैं कि सुभाष बाबू ने उनकी सलाह मान ली, लेकिन सुभाष बाबू के संस्मरण पढ़ने वाले लोग जानते हैं कि जब वो कलकत्ता में अपने घर से फरार होकर अफगानिस्तान पहुंचे तो वो यूरोप जाना ही नहीं चाहते थे। वो कहां जाना चाहते थे? वो यूएसएसआर जाना चाहते, लेकिन यूएसएसआर ने उन्हें अलाउ नहीं किया। तब जाकर उन्होंने ये फैसला किया कि वो इटली या फिर जर्मनी जाएंगे। वो इटली या जर्मनी गए, और इटली और जर्मनी में जो हुआ वो बता के मैं आज की बात आपको खत्म करूंगा कि जिस हिटलर की बड़ी तारीफ कर रहे हैं मुंजे साहब, सावरकर साहब, उस हिटलर से सुभाष चंद्र बोस की भी मुलाकात हुई, और सुभाष चंद्र बोस वहां पर लगातार कह रहे थे कि एक घोषणा की जाए कि द्वितीय विश्व युद्ध में विजय के बाद भारत को आजाद किया जाएगा, और ये घोषणा लगातार हिटलर और उसके लोग टाल रहे थे। अपने रिसर्च के दौरान मेरी नजर पड़ी एक किताब पर, यह किताब लिखी है जॉन कुलमैन ने। जॉन कुलमैन जो है वो एक रिसर्चर है, और जर्मनी के जो उस जमाने के गोपनीय दस्तावेज थे उन दस्तावेजों को खंगाल कर उन्होंने ये किताब लिखी है। किताब का नाम है नेताजी इन यूरोप। इस किताब के पेज नंबर 82 पे जब आप पहुंचते हैं तो वहां ये पाते हैं कि वहां के गोपनीय दस्तावेज ये दर्ज करते हैं कि हिटलर भारत को आजाद कराना चाहता ही नहीं था। वो चूंकि एक रेसिस्ट था, वो चाहता ये था
कि अगर कभी कोई दिक्कत आए तो अंग्रेजों के साथ भारत को वो रैंसम के लिए यूज कर सके कि आप हमसे यहां समझौता कर लो, हमारे जो यहां पर कब्जा है यूरोप में उनको आप बने रहने दो, उन पर आप सवाल ना उठाओ, और जो हिंदुस्तान पे आपका कब्जा है उस पर हम सवाल नहीं उठाएंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं लिखा है, आगे लिखा है कि भारत को वो एक इंफीरियर नस्ल का समझता था, इंफीरियर रेस का समझता था, और उसे ऐसा लगता था कि भारतीय जो हैं वो अपना शासन कायम करने में, अपना राज करने में सफल हो ही नहीं पाएंगे, वो इस योग्य ही नहीं है कि उनको आजादी दी जाए। आप समझ सकते हैं कि हिटलर का समर्थन करने वाले लोग हिटलर के बारे में जो सोच रहे थे और हिटलर जो था उसमें कितना फर्क। और अब आखिर में कंक्लूड करने के लिए एक छोटी सी बात, हिटलर और मुसोलिनी की बड़ी तारीफ हुई, हिटलर और मुसोलिनी की बड़ी गाथाएं गाई गई, उनके आधार पर संगठन बनाने की बात की गई। उस हिटलर और मुसोलिनी का हुआ क्या जिसको ये लोग कह रहे थे कि इतना महान था, इतना मजबूत शासन बनाया वगैरह वगैरह। सेकेंड वर्ल्ड वार में हिटलर को आत्महत्या करनी पड़ी, मुसोलिनी को भी आत्महत्या करनी पड़ी, इधर इटली तबाह हो गया, उधर हिटलर का जर्मनी तबाह हो गया, जापान में जो हुआ वो आप जानते ही हैं, नागासाकी हिरोशिमा का पूरा किस्सा आप जानते हैं, जापान की तबाही आप जानते ही हैं। यानी जो तानाशाही, जो फासिज्म आपको बड़ा खूबसूरत लगता है बाहर से, बहुत मजबूत लगता है, 56 इंच का लगता है, अंदर से वो इतना खोखला होता है कि पहली मुश्किल आते ही बिखर जाता है। नंबर एक। नंबर दो, हिटलर उस जमाने में किस पर अत्याचार कर रहा था? ज्यूज पे। ज्यूज वहां से जाके कहां बसे? इसराइल में। आज जो सावरकर की तारीफ करने वाले लोग हैं वो कौन से लोग हैं? भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग। कल वो हिटलर के साथ खड़े थे, आज वो इजराइल के गुण गाते हैं। कल वो आर्य हिटलर के साथ खड़े थे, आज ज्यू इजराइल के साथ खड़े हैं। क्यों? क्योंकि कल के डेट में हिटलर तानाशाही कर रहा था, आज के डेट में इजराइल जो है वो फलस्तीन के लोगों पर तानाशाही कर रहा है। तो इनका असल चरित्र यही है कि ये हमेशा तानाशाही और मजबूत लोगों के साथ खड़ा होना चाहते हैं। ये भारतीय चरित्र तो कम से कम बिल्कुल नहीं है, जिसमें हमारे धर्म ग्रंथों ने कमजोर, सच्चे और हकदार के साथ खड़ा होना सिखाया है, न्याय के साथ खड़ा होना सिखाया है। तो यूरोपीय ढंग के पैंट शर्ट, हाफ पैंट शर्ट, टोपी, जूते पहनने वाला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भले अपने मंत्र संस्कृत में पढ़ता हो, लेकिन उसका इटालियन कनेक्शन जो है वो फासीवाद के साथ था, और इसीलिए अपनी विचारधारा में वो पूरी तरह से विदेशी संगठन है। आज के लिए बस इतना ही, जुड़े रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब, ज्वाइन, जो आपको अच्छा लगे वो कीजिए, वीडियो दूर तक पहुंचाइए अगर आपको लगता है कि ये बातें सबको जाननी चाहिए, और आप हमारे साथ बने रहेंगे तो हम इस तरह लगातार लगातार नई नई चीजें लाते रहेंगे। शुक्रिया।